तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सागर अमर ब्लॉग्स में। और आज आपके लिए यहाँ एक नया ब्लॉग। अभी सुबह के बज रहे हैं 8, तो आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ। वैसे मैं थोड़ा लेट ही उठता हूँ क्योंकि रात को मैं थोड़ा लेट सोता हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है, यूपीएससी सीडीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। एनडीए के जस्ट 2 दिन बाद सीडीएस का नोटिफिकेशन भी आ गया था। और लगभग सेम डे ही 16 अप्रैल को एनडीए और सीडीएस दोनों का एग्ज़ाम है। तो अब सिर्फ 90 दिन बचे हैं, लगभग 90 दिन, 10-15 दिन हम मतलब तो ऐसे ही रील वगैरह देखने में निकल जाते हैं। तो अब तैयारी शुरू करेंगे आज से। तो मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ में तैयारी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और चलो देखते हैं। तो शुरुआत मैं करता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने से, टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि द हिंदू, बहुत सारे कहते हैं कि द हिंदू पढ़ना ज़रूरी है या द हिंदू का एडिटोरियल पेज पढ़ना, लेकिन वो बहुत हार्ड हो जाता है एकदम से पढ़ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि द हिंदू स्टार्टिंग में मंगा देते, फिर वो बहुत हार्ड हो जाता है पढ़ने के लिए, फिर वो पढ़ते नहीं है। इसलिए तो इसमें आपको कोई भी एक ऐसा वर्ड या फ्रेज मिल जाए तो उसको मार्क ज़रूर करें, और टॉपिक को मेन समझने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश का पेपर सीडीएस का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आता है, यानी पूरी समझने वाली इंग्लिश आती है। तो फटाफट से पढ़ते हैं इसको, फिर देखते हैं आगे का। गाना बजाओ। दोबारा से वापस आ रहा है, कोरोना की एक नई लहर आई है। और देख सकते हो आप, चाइना में लगभग 5.4 मिलियन यानी 54 लाख लोगों को कोविड पॉजिटिव है। 54 लाख लोग कोविड पॉजिटिव है। और ये देखो, चाइना कोविड डेथ्स लाइकली टू रनिंग अबव, मतलब चाइना में 5,000 मौतें कोरोना से हर दिन हो रही हैं। तो यार, मास्क पहने और भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें, क्योंकि आप सब ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब से कोरोना आया तब से हम सबकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। अभी मैंने नोटिस करा कि आप सब ने भी करा, मतलब बहुत जल्दी से जुकाम हो जाता है, बहुत जल्दी से। पहले क्या होता था कि जैसे हम गांव में रहते थे, एकदम ठंडा पानी पीते तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अब क्या होता है कि अब एकदम से ठंडा पानी पियो तो जुकाम लग जाता है। मतलब लग रहा है मेरे को ऐसा कि इम्यूनिटी तब से कम हो गई, इसलिए मास्क पहनो, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचो। और जिसने बूस्टर डोज नहीं लगाया, जिसने बूस्टर डोज नहीं लगाया वो बूस्टर भी लगा दो। तो यार, अब नाश्ता करता हूँ फटाफट से, उसके बाद एक क्लास 1 घंटे की ज्योग्राफी की पढ़नी है, फिर मेरे को मार्केट भी जाना है। तो फटाफट से चलते हैं खाना। तो यार, नाश्ता करके मैं छत में आ गया हूँ। नाश्ता बनाते बनाते और खाते खाते 1.5 से 2 घंटे ऐसे निकल गए। अब 11 तो बज गए। अब थोड़ा सा पॉलिटी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी। तो मतलब अब रिवीजन करना है मेरे को, आर्टिकल 51 तक मैंने पढ़ा हुआ है पहले का, तो उसको पहले रिवीजन करूँगा, आ जाएगा तब फिर बाद में पढ़ूँगा। नहीं तो फिर ऐसे में ऐसा होता है कि यार, आगे पढ़ते जाओ पीछे भूलते जाओ, पढ़ते जाओ भूलते जाओ, तो इसलिए रिवीजन करना ज़रूरी है। तो अब मैं धूप में आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने मैट बिछा लिया, मेरा ट्राईपॉड, क्योंकि थोड़ा वीडियो वगैरह, ये व्लॉग बनाने के लिए ट्राईपॉड रखा हुआ है। तो अब फटाफट से रिवीजन करता हूँ। उसके बाद एक तो दिक्कत ये है कि
क्लासेस फ़ोन पे होती है और व्लॉग भी फ़ोन से बनाना है, तो साथ साथ मैनेज करना पड़ता है। तो अब रिवीजन करता हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर खाने बनाने का टाइम हो जाएगा। खाना बनाने, खाना खाने में फिर 2 घंटे निकल जाएंगे, फिर मेरे को थोड़ा मार्केट भी जाना है। तो फटाफट से रिवीजन करता हूँ। धूप भी मस्त है यार। फिर कम से कम 1.5 घंटे लगे जाएंगे, तब तक थोड़ा आराम करेंगे, फोन चलाएंगे, रील वगैरह देखेंगे। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये यहाँ तक पढ़ लिया मैंने, ये अब 29 से आर्टिकल 29 से और आर्टिकल 54 तक, 54 तो खैर नहीं, लेकिन क्योंकि इस यहाँ तक अलग हो जाएगा ना, भाग 4 तक पूरा रिवीजन करना है, और 5 जब ख़त्म हो जाएगा तब उसका रिवीजन तब करना है। तो ये है, अब थोड़े ही पेज है बस, 10-15 पेज बचे हुए, ये भी हो जाएंगे। तो फटाफट चलते हैं नीचे और खाना बनाते हैं। खाने में देखना पड़ेगा यार, रोज़ एक ही दाल, पीली दाल खाना पड़ेगी, डेली पीली दाल। आज देखते हैं, आज कोई नई दाल हमने आगरा खाल से लाई थी, पर उस दिन मतलब आगरा खाल से हमने नई दाल लाई थी, लगभग उसको 2-3 महीने हो गए होंगे। बहुत सारी दाल लाई थी, मतलब अलग अलग लाए थे हम, जैसे गात की दाल और सोयाबीन की दाल और बहुत सारी अलग अलग है, उड़द वगैरह कई चीज़ थी। कुछ मौसम हो रखा है, देर उनका फटाफट चलते नीचे। अब एक तो इस दर्रे के साथ ये दिक्कत है कि पहले तो लाओ, फिर आप बटोलो, फिर नीचे रखो। है चलो चलते हैं। तो यार खाना वाना खा के मैं निकल चुका हूँ बाज़ार की तरफ, और क्योंकि मेरा बाज़ार में थोड़ा काम है, मैं अभी नहाया तो बिल्कुल ठंड लगी है, खतरनाक आदमी उसमें भी निकल था। 3:30 बजे हैं, फटाफट जा रहा हूँ काम निकाल के, अब फटाफट आ जाऊँ। तो यार मैंने बाज़ार का काम निपटा दिया है, और फ़ोन से वीडियो बनाने का टाइम तो लगा नहीं, अब से निकल रहे फटाफट, अब से निकल रहा हूँ मैं घर। टना टना चाय पीएंगे, बिस्कुट खाएंगे, तो यार अभी आए हैं जस्ट जिम में, और फटाफट से करते हैं एक्सरसाइज, फिर निकलते हैं। तो यार जिम से आ गया हूँ घर, और ये था मैं, और चाय के साथ में ये बिस्किट। तो मैं बाजार गया था कुछ काम से, ये तो पैसे भी ज्यादा हो गए थे। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना, तो पिस्तौल हमारी जान तुम्हारी। पूरे 444 रुपए थे मेरे पे। चुप कर बे कुत्ते। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ खर्च करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, बैंक में भी इतने पैसे रख नहीं सकता। तो मैंने 2 बुक ले ली, अब मेरे पे 44 रुपए बचे। तो दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। तो अब मैं सोच रहा हूँ 44 रुपए का क्या करूँ, कहाँ खर्च करूँ इन 44 रुपए को। तो देखते हैं इनको कुछ दिन में खर्च कर देंगे। बाहर में एक मोमो वाला रहता है, 20 की हाफ प्लेट लगाता है, वहीं खर्च कर देंगे इनको। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ, उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। और एक तो यार बाजार में ब्लॉगिंग करने का सीन ये होता है कि मतलब शर्म से, मतलब इतना भी नहीं, मतलब अजीब से लगता है एक तो, अरे ऐसे हाथ पे पकड़ के ऐसे करना, अगर कोई माउंट टाइप का हो तो वो तो सही है। अब जैसे गाँव साइड है तो उस तरफ थोड़ा अजीब लगता है। अब देहरादून में वहाँ, यहाँ तो कुछ जानने वाला है नहीं, तो यहाँ पे इतना अजीब नहीं लगता। अब जैसे दिल्ली जाओ, दिल्ली में तो और आसानी से कर सकते हैं ब्लॉगिंग, ये ऐसे रखा
सिर्फ फोन ही गाया, सिर्फ फोन ही उठा, अबे साले फोन ही गाया, सिर्फ फोन ही उठा के ले जाएगा कोई। तो अब फटाफट पीता हूँ चाय तो इसका, और ये था मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। तो अब लेखपाल का मतलब अब मेरे साथ में एक और एग्ज़ाम है, तो उसका जैसी एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, उसका जैसी एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं उसके बाद बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, और अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो इस वीडियो का मैं नेक्स्ट पार्ट या इसके इस एग्ज़ाम के बारे में और डिटेल भी मैं शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।